हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्जोवर से। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये एक ऐसा कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जैसे कि एक MBA का कोर्स है जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को हम देते हैं जिन्होंने BBA करी, BCom करी है या BA भी करी है अगर मैथ इकोनॉमिक्स में, तो उनकी हम ये हमारी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ये बड़ा फेमस है कि उनकी जो नैया है वो पार लगा देता है MBA कोर्स। इसी तरह जो साइंस स्ट्रीम में है, टेक्निकल स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स ऐसा है कि उनकी भी वो नैया पार लगा देगा। तो इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वो इस कोर्स के लिए MBA और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम उसका किसी भी SOP में कोरिलेट करके इसका वीज़ा इजीली ले पाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आज हम जो बात करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, ये है कि अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज है प्लस आपकी मैनेजमेंट, ये सिखाएंगे टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट, इसको दोनों का मिश्रण करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है, पहले आपने प्रोजेक्ट का प्लान देना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका आप प्लान देंगे, फिर प्लानिंग की एग्जीक्यूशन होगी उस प्लान का, उसको मैनेजमेंट पूरी होगी। मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लो आपको प्लान दिया गया कि एक साल में आपने प्लान सपोज कंप्लीट करना है, आपको इतना बजट है, तो वो आपने सारी मैनेजमेंट इस हिसाब से करनी है कि वो बजट कॉस्ट में भी रहे और टाइम पीरियड में भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। ये है सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक तो जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट IT है, जो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहे तो अब लेटेस्ट जो चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है जो लैम्पटन कॉलेज में भी है, और 80-90% कॉलेजेस में कनाडा में ये कोर्स अवेलेबल है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, स्कोप की बात करें तो अगर कोई अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप में भी हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सीधा आप कोर्स करने के बाद जाते हैं, तो भी आपको जो मिनिमम वेज है वो $25 to $30 के बीच में स्टार्टिंग लगता है। जो आपकी पोस्ट रहती है वो होती है जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर या असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा इसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, तो आप लेटर ऑन प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, और जो एवरेज सैलरी है वो $45 to $50 के बीच में है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि कनाडा में ऑलमोस्ट सारे ही प्रोविंसेस में इसका PNP में नॉक लिस्ट में ये आता है, और इसमें आप PNP में अलग से एक एग्ज़ाम देके इसकी आप PNP में सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, और सर्टिफिकेशन के बाद आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी। प्लस कुछ कॉलेजेस इसमें जो मेनली कोर्स रहता है 1 ईयर का ही रहता है, और कुछ कॉलेजेस इसमें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि और ये जैसे कि मैंने बताया सभी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट अवेलेबल 80-90%। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, BSc IT, ठीक है, कोई भी कोर्स इसमें ले सकते हैं, जो मेडिकल वाले एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, जो IT जिन्होंने करी है वो IT में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट IT ले सकते हैं, या अपना स्पेशलाइज्ड कोई प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर एक कोर्स में भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, वो आप पर्टिकुलरली उस कोर्स पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को लेकर भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही इसका वाइडर स्कोप रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये कोर्स हम हाईली रिकमेंड करते हैं और ये आने वाले टाइम में भी हाईली डिमांड में रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल्स ओवरसीज। विजिट अस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज। फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स।